हे गाइस, कैसे आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में होने वाले नेक्स्ट आईपीएल मैच की। ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी टीम वीक है, साथ ही साथ कौन से प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे आपकी फैन टू प्ले पर। आईपीएल लीडर बोर्ड खेलो और जीतो T20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच की टिकट्स, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस आईपीएल फैन टू प्ले पर टीम बनाओ और वर्ल्ड कप जाओ। फैंटेसी टीम में अगर आप फैंटेसी फील्ड में टीम बनाते हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और प्रेडिक्शन में भी काफी मदद करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैच डिटेल्स की, तो आपको बता दूं ये जो मैच है ये आरसीबी सीएसके के बीच में डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। 12th of April 7:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से ये मैच होगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो आगे हम वो देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे काफी मैचेस हो चुके हैं और मैं आपको स्पिन पेस का रेशियो भी दिखाऊंगा जिससे आपको बॉलर्स लेने में भी आसानी होगी, किस टाइप के बॉलर्स लेने हैं, बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलेगी आगे हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले। इसलिए अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लग कर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए वीडियो को। बात करते हैं वेन्यू एक्सपीरियंस की, तो देखिए इस वेन्यू पे पिछले 2 साल के अंदर जो प्लेयर्स ने मैचेस खेले उसमें डुप्लेसी ने 2 मैचेस खेले, 46.5 रन प्रति मैच बनाए। बाकी प्लेयर्स में मोइन अली ने 48 लास्ट मैच में यहां पर बनाया था। विकेट्स की बात करें तो हसरंगा के लिए काफी अच्छा ये वेन्यू माना जा रहा है। वेन्यू हसरंगा विकेटें काफी यहां पर निकाल रहे, 2.5 विकेट पर मैच निकाली है। टोटल 2 मैचेस खेल के 5 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं, तो इनको स्पिन में काफी यहां पे मदद है, इस मैच में भी काफी मदद होगी। सिराज का फॉर्म उतना अच्छा नहीं यहां पे दिख रहा है, ब्रावो का ठीक फॉर्म है, चौधरी का ठीक है, ठीक है, ओवरऑल सिराज का फॉर्म उतना अच्छा रहता नहीं है। आगे हम बात करते हैं फैंटेसी टिप्स की, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा वो कौन से प्लेयर हैं जो ज्यादातर ड्रीम टीम यानी कि बेस्ट प्लेयर की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा ड्रीम टीम परसेंटेज है उतने इंपॉर्टेंट ये प्लेयर हैं, जैसे कि फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली 4-4 मैचेस में 3-3 बार ड्रीम टीम में आए, यानी 3 बार परफॉर्मेंस इनकी अच्छी रही होगी। उथप्पा की 2 बार अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी तो 50% आए, और रायडू की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है तो इनका परसेंटेज कम है। अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स में तो यहां पे देखिए सबसे अच्छा परसेंटेज वनिदु हसरंगा का बन रहा है और मोइन अली का बन रहा है। इसके बाद हम बात करें बॉलर्स में तो ब्रावो ने अच्छा किया है, आकाशदीप और यहां पे जॉर्डन ने भी ठीक परफॉर्मेंस दी है। विकेट कीपिंग सेक्शन से दिनेश कार्तिक, एमएस धोनी दोनों का परफॉर्मेंस डिसेंट है, दिनेश कार्तिक के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है बैटिंग करने की। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेयर बैटल की, ये है सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट वीडियो का जहां पे मैं आपको बताऊंगा चेन्नई सुपर किंग्स के वो कौन से बैटर्स हैं जो आरसीबी के बॉलर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ कौल की बहुत पिटाई करते हैं एमएस धोनी, इसके बाद सिद्धार्थ कौल उथप्पा के सामने डिसेंट खेलते हैं, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है इनमें से। सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर यहां पे देखिए उथप्पा के सामने करण शर्मा होंगे, उथप्पा वैसे भी स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते हैं तो इनके सामने आज वनिदु हसरंगा भी अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए यहां पे सिराज उथप्पा का जो एक प्लेयर बैटल है, रायडू कौल का है, सिराज जडेजा का है, कोई ज्यादा प्लेयर बैटल नहीं है बट आप देख लीजिए इनको, सिद्धार्थ कौल और गायकवाड़ का है, सिराज का भी देखिए रायडू और गायकवाड़ से। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेयर बैटल में इंपॉर्टेंट जो रहेगा आरसीबी के कौन से बैट्समैन है सीएसके के खिलाफ स्ट्रगल करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जडेजा और विराट कोहली का अगर आप देखें तो विराट कोहली ने काफी रन बनाए हैं जडेजा की बॉलों पे और 3 ही विकेट दिए 123 बॉल खेलने के बाद। यहाँ पे ब्रावो की देखिए 103 बॉलों पे 157 रन है विराट कोहली के, ब्रावो को ये बहुत अच्छा खेलते हैं और 1 बार विकेट भी निकाली हुई है। दीपक चहर वर्सेज विराट कोहली देखें तो दीपक चहर ने 1 बार विराट कोहली की विकेट निकाली है। जडेजा मैक्सवेल की काफी विकेट निकालते हैं, देख सकते 36 गेंदों में 5 बार विकेट ले चुके और सिर्फ 43 रन दिए, तो मैक्सवेल के सामने जडेजा एक बहुत बढ़िया प्लेयर बैटल होगा। और कार्तिक के सामने, दिनेश कार्तिक के सामने यहाँ पे डी ब्रावो भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि 3 बार विकेट ये इनका ले चुके हैं। इसके अलावा भी प्लेयर्स आप देख सकते हैं, ब्रावो वर्सेस करण शर्मा, ब्रावो वर्सेस फाफ डुप्लेसिस और इसके अलावा जॉर्डन वर्सेस दिनेश कार्तिक, तो ये कुछ प्लेयर बैटल इनको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं बात करते हैं टीम हिस्ट्री की, तो देखिए यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक आईपीएल में 189 मैचेस खेले, 60% का विनिंग सक्सेस रेट चलता है, हालांकि पिछले 4 मैचेस हारे हैं बट इनका सक्सेस रेट आईपीएल में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। आरसीबी की बात करें तो लॉन्ग टर्म में 48% का विनिंग परसेंटेज है इनका, बट ये साल इनका फिर भी थोड़ा सा बेटर है चेन्नई के मुकाबले। आगे हम बात करें वेन्यू स्टैट्स की, तो टी20 में देख सकते हैं 14 मैचेस में से 10 बैटिंग सेकंड टीम जीती और 3 बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है। एवरेज स्कोरिंग फर्स्ट बैटिंग की अगर आप देखें तो 143 है और पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें तो 187 पुणे वॉरियर्स का यहां पे हाईएस्ट बना है। तो पहले का नहीं देखते, अभी मैं आपको आज का दिखा देता हूं अभी की कंडीशन क्या चल रही है। पिछले 5 मैचेस जो यहां पे खेलेगा उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्कोरिंग जो हो रही है, आखिरी मैच में 155 के अराउंड हुई थी, उसके पहले वाले मैच में 155 के अराउंड फिर हुई थी, उसके पहले भी देखे तो 160-170 के अराउंड हुई थी और उसके पहले 190-170 के अराउंड हुई थी, ठीक है। तो ये पिछले 4 मैचेस में हम देखे तो 170-160 के आसपास ज्यादा स्कोर जा रहा है। और अगर हम बात करें स्पिन वर्सेस पेस डिपार्टमेंट, तो यहां पे देखेंगे टोटल विकेटें स्पिन की 3 और पेस की यानी तेज गेंदबाजी की 6 विकेटें पिछले मैच में, ठीक है। ये फर्स्ट वाला आखिरी मुकाबला है, उसके पहले वाला मुकाबला 7 अप्रैल का ये देख लो, यहां पे स्पिन को 6 मिल गए थे और पेस को 1 मिला था, फिर यहां
यहाँ पे देखिए स्पिन को 4 मिले, पेस को 11 मिले, फिर यहाँ पे स्पिन को देखिए 3 मिले, पेस को 11 मिले। तो ज्यादातर यहाँ पे देखिए पेसर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, ठीक है, ज्यादातर मैचेस में। कुछ एक मैच मिलेंगे जहाँ पे स्पिनर्स ने भी अच्छा करा है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और मैचेस की, इनको भी देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं टॉप 5 हाईएस्ट स्कोर और टॉप 5 हाईएस्ट चेजेस। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, तो यहाँ पे 4 में से 3 मैचेस आरसीबी जीती है और सीएसके इस बार 4 में से 4 मैचेस हारी। इस सीजन ये पहली बार ऐसा हुआ कि बैक टू बैक 4 मैच सीएसके हारी हो। हेड टू स्टैट्स की बात करें तो 27 मैचेस में 18 जीती है चेन्नई सुपर किंग्स और 9 जीती है आरसीबी, यानी विनिंग परसेंटेज जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स के फेवर में है, ये ज्यादा मैचेस जीतते हैं हेड टू हेड में। बैटिंग फर्स्ट करते हुए बैटिंग सेकंड करते हुए दोनों में इनके स्टैट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आखिरी 5 हेड टू हेड मुकाबलों में देख सकते हैं चेन्नई ने 3 मुकाबलों को जीता है और आरसीबी ने 2 को जीता है। आखिरी 5 में थोड़ा सा अगर आप देखें तो रेशो 60-40 का है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लगभग 66-33 का है। आगे हम चलते हैं बात करते हैं रीसेंट फॉर्म की। आरसीबी अपने आखिरी 5 में से 3 मैचेस जीत के आई और सीएसके आखिरी 5 में से 4 मैचेस को जीत के आई है। और ये जो आखिरी मैच आप जो देख रहे हैं विनिंग का, ये बहुत पहले का है 2021 का, ठीक है। तो सीएसके का ये साल अच्छा नहीं रहा, इस साल सारे मैचेस हारे, लास्ट टाइम केकेआर को इन्होंने हराया था पिछले साल। अब हम बात करते हैं लास्ट 5 हेड टू हेड मैचेस की, तो उसमें भी आप देखिए ज्यादातर मैचेस सीएसके ने जीते हैं। 2021 और 2020 के मैचेस आप आखिरी देख ही सकते हैं, जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती है तो स्कोरिंग कितना होता है देख सकते हैं। आखिरी मैच जो इनके बीच में हुआ था उसमें चेन्नई ने 191 लगाया था 2021 में जो हुआ था, 2020 वाले में 150 के आसपास स्कोरिंग हुई थी, फिर 169 के आसपास, 160 और 70 के आसपास, तो ये देख सकते हैं यहां पे। सो गाइस बात करते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की, जिसमें आपको फाफ डुप्लेसिस ओपन करते दिखेंगे अनुज रावत के साथ। रावत ने साल लास्ट मैच में जो खेला वो बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था, पिछले 8-10 मुकाबलों में ऐसा परफॉर्मेंस इनका नहीं आया और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है तो इनको आप टीम में ले सकते हैं। इस साल बहुत खराब परफॉर्मेंसेज भी नहीं दिए, मोस्टली स्कोरिंग 20-30 के आसपास करी है इन्होंने। डुप्लेसिस का फॉर्म पिछले 3 मैचेस से काफी बिगड़ चुका है, बट फिर भी ओवरऑल काफी बढ़िया पिक है, आपको इनको लेना चाहिए। नंबर 3 पे विराट कोहली आएंगे, इनका हेड टू हेड बहुत अच्छा है पोजीशन टीम के खिलाफ और रीसेंट फॉर्म देखे तो आखिरी मैच में काफी बड़ा स्कोर करा। फिर आते दिनेश कार्तिक, वैसे देखिए नॉर्मल बैटिंग पोजीशन पे ग्लेन मैक्सवेल को आना चाहिए, बट इस टाइम पे फिनिशिंग के लिए दिनेश कार्तिक को भेजा जा रहा है, यूज करा जा रहा है लगातार, और जब भी फिनिश करना होता है, रन्स कम बचते हैं या फिर जल्दी टारगेट को चेस करना है, तो दिनेश कार्तिक को बैटिंग में अप ऑर्डर में मिल जाता है, बैटिंग इनकी प्रमोट हो जाती है। वैसे ग्लेन मैक्सवेल नंबर 4 पे खेलने चाहिए, सो आप इनको भी टीम में ले सकते हैं। थोड़ा राइट हैंड लेफ्टी बैट्समैन के सामने थोड़ा ये बॉलिंग कर सकते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, तो कुछ 1-2 ओवर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस बैटिंग में अच्छा कर सकते हैं अगर बैटिंग जल्दी आ जाती है तो। इसके बाद वनिधु हसरंगा है, इनका स्टेट आप यहां से देख लीजिए, वनिधु हसरंगा को ये वेन्यू काफी सूट कर रहा है और इस वेन्यू पे टोटल 5 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं। रीसेंट फॉर्म काफी अच्छा है बॉलिंग में और कभी भी बैटिंग से भी ये आपको बैकअप दे सकते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आते हैं शहबाज अहमद, कोई खास परफॉर्मेंसेज नहीं है पिछले 3-4 मैच से विकेटलेस ही जा रहे। वनिधु हसरंगा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस टीम से, ठीक है। इवन बैटिंग में भी अगर आप देखें तो इतने फैंटेसी पॉइंट कोई नहीं दे रहा जितने वनिधु हसरंगा हर बार बॉलर में बॉलिंग सेक्शन से देखे जा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको न्यूज दे दूं, डेविड विली के खेलने के चांसेस मैच में कम होंगे क्योंकि आरसीबी की टीम से जॉस हेजलवुड और जेसन बैरेंडॉफ जुड़ चुके हैं, ये दोनों प्लेयर जुड़ चुके हैं। तो जेसन बैरेंडॉफ और जॉस हेजलवुड अगर कंडीशंस रहेंगी उनको खिलाने की तो उनको जरूर खिलाया जाएगा। डेविड विली का चांस कम है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस उस लेवल का आ नहीं रहा, टीम इनका बॉलिंग होता है भरपूर यूज भी नहीं कर रही है, तो बहुत हद तक चांस है कि ये टीम के बाहर हो जाएंगे और इनकी जगह पे या तो जॉस हेजलवुड या तो जेसन बैरेंडॉफ खेल सकते हैं क्योंकि वो टीम से जुड़ चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर सिद्धार्थ कौल है, आकाशदीप है और मोहम्मद सिराज है, जिसमें आप देख सकते हैं आखिरी कुछ मैचेस में इनका परफॉर्मेंस और सिराज का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा नहीं। हर्षल इस मैच में नहीं खेलेंगे, हर्षल पटेल उनकी सिस्टर की डेथ हो गई तो वो जा चुके हैं, सो सिद्धार्थ कौल को इस मैच में खेलना चाहिए। सो आप अपनी टीम में सिद्धार्थ कौल को लीजिए, मोहम्मद सिराज को मैं उतना फिर भी एक्सपेक्ट नहीं करता इनसे विकेट लेना डेथ ओवर्स में क्योंकि सिद्धार्थ कौल और मोहम्मद सिराज को बॉलिंग करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेंच स्ट्रेंथ की, तो ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ है, कुछ प्लेयर्स इनके आप यहाँ पे देख लीजिए, इनमें से कोई खेल जाता है तो स्टैट बेस पर उनको ले सकते हैं। सारे स्टैट्स आपके सामने हैं, ये हैं जेसन बैरेंडॉफ के स्टैट्स। इसके बाद हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, सो रॉबिन उथप्पा ओपन करेंगे इनके गायकवाड़ के साथ, मोइन अली नंबर 3 पे आएंगे, नंबर 4 पे अंबती रायडू हैं, फिर आएंगे शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी। अगर हम बात करें इस साल परफॉर्मेंस की तो गायकवाड़ के पिछले 4 के 4 मैच बहुत ज्यादा खराब गए, ऐसा ये खेलते नहीं है। इनका परफॉर्मेंस आप देखिए पिछले 4 मैच के पहले 44-81-80, पिछले साल ये बहुत बढ़िया खेले थे, इवन डोमेस्टिक्स में बहुत अच्छा कर रहा था। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देखो तो मोस्ट ऑफ द मैचेस में 30+ की स्कोरिंग है, जो और किसी प्लेयर की शायद नहीं होगी, इतनी अच्छी हेड टू हेड की स्टैट। तो इनको आपको फिर
से बैकअप बैक देना चाहिए, यानी बैक करना चाहिए इनको। और उथप्पा इनसे बहुत उम्मीद नहीं कर रहा, सामने वाली टीम में स्पिनर अच्छे हैं जैसे कि वनिधु हसरंगा, तो हो सकता है शुरुआत में इनके सामने लगा दे, वैसे भी स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते, तो रॉबिन उथप्पा को दिक्कत हो सकती है। गायकवाड़ को जरूर टीम में लीजिएगा। इसके बाद मोइन अली को आपको टीम में लेना चाहिए, एक दो ओवर बॉलिंग कर सकते हैं सामने वाली टीम के लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ, और बैटिंग बहुत सॉलिड कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मैचेस में स्कोरिंग आप देखेंगे तो कम से कम 25-30 से ऊपर ही मिलेगी मैक्सिमम मैचेस में, ये अच्छा करते हैं। फिर आते हैं अंबती राडू नंबर 4 पे, लास्ट 2-3 मैच से अच्छा खेल रहा है, हेड टू हेड भी अच्छा है, इनको भी चाहे तो अपनी टीम में ले सकते हैं, बट प्रायोरिटी आपको मोइन अली और गायकवाड़ को पहले देनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो शिवम दुबे इनके पास ऑप्शन में है जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं और लगभग हर दूसरे तीसरे मैच में एक बड़ी इनिंग खेल जाते हैं, तो ग्रैंड लीग में अच्छे होंगे। फिर रविंद्र जडेजा जिनका बैटिंग पोजीशन काफी डाउन मुझे दिख रहा है, नंबर 6 के आसपास दिख रहा है, और अगर इनको नंबर 4 या 5 पे खिला लें तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, बट फिर भी 4 ओवर कंप्लीट कर रहे हैं तो आप इनको अपना कप्तान बना सकते हो, कि बैटिंग में कुछ ना कुछ हमेशा कंट्रीब्यूट करेंगे और बॉलिंग 4 ओवर में कुछ ना कुछ विकेट निकाल के दे सकते हैं। कप्तानी की सेफ ऑप्शन है, बेस्ट नहीं है। एमएस धोनी बहुत डाउन बैटिंग करने आ रहे हैं तो उनकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, कभी कभी ये स्कोर कर देते हैं अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है। फिर हम बात करते हैं ड्वेन ब्रावो, क्रिस जॉर्डन, महेश शिक्षाना, मुकेश चौधरी की, जिसमें डेथ ओवर के बोलर ड्वेन ब्रावो और क्रिस जॉर्डन होंगे। इनकी बेंच स्ट्रेंथ भी आप यहाँ पे देख लीजिए और सारे प्लेयर के स्टैट भी ध्यान से देख लीजिए, काफी ज्यादा स्टैट्स हैं बट मैं आपके लिए स्टैट प्रिपेयर करता रहता हूँ ताकि अगर कोई नया प्लेयर खेल जाए तो एटलीस्ट आपके पास उनका स्टैट तो रहे। तो ये सारे स्टैट हैं जिनको आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोनों साइड के। अब हम चलते हैं और बात करते हैं डेथ ओवर्स की। तो डेथ ओवर्स में सीएसके की तरफ से डीजे ब्रावो और क्रिस जॉर्डन डेथ में गेंदबाजी करेंगे, और आरसीबी की तरफ से अभी तक हर्षल पटेल कर रहे थे सिराज के साथ, बट हर्षल पटेल अब नहीं खेलेंगे तो हर्षल पटेल की जगह पे हम लेंगे सिद्धार्थ कौल को। सिद्धार्थ कौल करेंगे डेथ में गेंदबाजी आरसीबी की तरफ से मोहम्मद सिराज के साथ, ठीक है। ये होगी इनकी डेथ बॉलिंग अपडेटेड वाली, हर्षल पटेल नहीं खेलेंगे तो इनकी जगह पे सिद्धार्थ कौल डेथ में बॉलिंग करेंगे सिराज के साथ। इसके बाद हमारी टीम देख लेते हैं, मैंने जो यहाँ पे आपके लिए टीम बनाई है उसमें मैंने पिक करा है अनुज रावत को, ऋतुराज गायकवाड़, फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, वनिधु हसरंगा, ड्वेन ब्रावो, क्रिस जॉर्डन और हर्षल पटेल नहीं खेलेंगे तो इनकी जगह पे आप सिद्धार्थ कौल को ले लीजिएगा। अभी मैंने इनको ले लिया था सिर्फ और सिर्फ ये हाईलाइट करने के लिए कि ये नहीं खेलेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी टीम में और इनकी जाने की वजह से आरसीबी बहुत कमजोर हो गई है। बॉलिंग में आप देखिए वनिधु हसरंगा अगर स्पिन संभालते हैं तो ये पेस संभालते हैं, अब पेस की तरफ से थोड़ा सा जो है वो लैग करेगी टीम, और मे बी पॉसिबल ये वाला मुकाबला चेन्नई जीत रही है। मेरे हिसाब से इस मैच को चेन्नई को जीतना चाहिए क्योंकि बॉलिंग अब थोड़ी सी मुझे ज्यादा ही कमजोर समझ में आ रही है आरसीबी की, ठीक है। और चेन्नई का देखें तो बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा है, और आरसीबी का बैटिंग अच्छा है बट बॉलिंग उतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये टीम आप अपनी कॉपी कर लीजिए और बस यहाँ पे हर्षल पटेल की जगह पे सिद्धार्थ कौल को ले लीजिएगा। और मेरा देखिए टेलीग्राम चैनल ये है फैंटेसी एक्सप्रेस ऑफिशियल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहां से चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहीं पे आपको सारी अपडेट्स मिलती हैं। और फैन टू प्ले एप्लीकेशन पे जिन्होंने अभी तक साइन अप नहीं करा रेफर कोड एफएक्स लगा के साइन अप कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और वहां पे मैं आपको अपडेट्स देता हूं, रील्स वगैरह प्रोवाइड करता हूं मैचेस की, और इसके अलावा मैं आपके जो मैसेज आते हैं डीएम में उनका रिप्लाई भी करता हूं। तो कोई भी दिक्कत होती समस्या होती इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दो, क्योंकि कभी कभी होता है आपको प्रॉब्लम होती है बट आप मैसेज नहीं कर पाते, कहां पे मैसेज करें, यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कर दिया करो, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा फैन टू प्ले की आप बढ़िया टीम बना पाए, इस ये मैं सोच के वीडियो खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।